नमस्ते, आप देख रहे हैं ग्रैनी न्यूज। इरादे हैं बुलंद, इसीलिए तो ग्रैंड व्यूअर हैं हम। मैं ग्रैंड व्यूअर हंसिका राज रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ उन भैया दीदी का जिन्होंने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में सफलता पाई है। आज हम आपको लेके जा रहे हैं रेजिडेंशियल ग्रैंड व्यू प्रेप स्कूल में। आज हम नन्हे रिपोर्टर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की रिपोर्टिंग के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेने जा रहे हैं। हेलो मैम, क्या हम सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं? आज आप लोगों को क्लास नहीं करनी है? नहीं मैम, आज हमें रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, जाइए। दीदी, क्या आप सभी सैनिक स्कूल बैच से हैं? Yes. क्या आप सभी का सिलेक्शन हो चुका है? हाँ, हम सभी का सिलेक्शन हो चुका है। मेरा नाम सलोनी कुमारी है, मैं ग्रैंड व्यू सैनिक बैच की स्टूडेंट हूँ। मेरा सैनिक स्कूल में चिंगचिप में सिलेक्शन हुआ है, मैं अपने कैटेगरी में फर्स्ट रैंक पाई हूँ। थैंक यू। मेरा नाम रुचि है, मैं ग्रैंड व्यू की सैनिक बैच की छात्रा हूँ। मेरा सिलेक्शन सैनिक स्कूल सतारा में हुआ है और मैं अपने कैटेगरी में रैंक वन होल्डर हूँ। थैंक यू। दीदी, अब आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम समीक्षा कुमारी है, मेरा सिलेक्शन सैनिक स्कूल रीवा में हुआ है और मैं अपने कैटेगरी में टॉप की हूँ। थैंक यू। हेलो भैया। यस। क्या आप सभी सैनिक स्कूल बैच से हैं? यस। आपका नाम क्या है? रोहित कुमार। आपका किस सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ है? सैनिक स्कूल सुजानपुर तिला। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयुष्कुमार पटेल है। आपका किस सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ है? सैनिक स्कूल अमेठी। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक्स। हेलो भैया। हेलो। मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट की रिपोर्टिंग कर रही हूँ। रिपोर्टिंग करते करते पता चला कि आप लोग की छुट्टी हो गई है और आप लोग प्लेग्राउंड आ गए हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे सैनिक स्कूल के सिलेक्टेड बच्चे कौन कौन से हैं? ये सभी सैनिक स्कूल के लिए सिलेक्टेड बच्चे हैं जो कि अपनी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं ताकि इनका मेडिकल अच्छे से हो जाए और ये सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सके। थैंक यू। हेलो। मैं ग्रैंडवर हंसिका राज आप सभी के सैनिक स्कूल के रिजल्ट की रिपोर्टिंग कर रही हूँ। क्या आप सभी सैनिक स्कूल के बैच से हो? आप देख पा रहे हो कि इन सभी का सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो चुका है, तो पहले हम इन भैया से इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। आपका नाम क्या है? उमंग। आप किस स्कूल में सिलेक्शन पाए हैं? सैनिक स्कूल कपूरथला। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। का नाम क्या है? सिद्धार्थ कुमार। आपने किस स्कूल में सिलेक्शन पाई है? सैनिक स्कूल रीवा फर्स्ट रैंक। वेरी नाइस। थैंक यू। आपका नाम क्या है? सूर्यांश। आपने किस स्कूल में सिलेक्शन पाई है? सैनिक स्कूल मैनपुरी। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। इधर देखिए, ये क्या कर रहे हैं? आपका नाम क्या है? भानु प्रताप। आपने किस स्कूल में सिलेक्शन पाई है? सैनिक स्कूल पुरलिया। वेरी नाइस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर फ्यूचर। थैंक यू। आपका नाम क्या है? शिवराज। आपने किस स्कूल में सिलेक्शन पाई है? सैनिक स्कूल झुंझुनू। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। आपका नाम क्या है? उत्कर्ष रोशन। आपने किस स्कूल में सिलेक्शन पाई है? सैनिक स्कूल कोडागो। बहुत बहुत बधाई हो आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू। आपका नाम क्या है? राघव आनंद। आपने किस स्कूल में सिलेक्शन पाई है? सैनिक स्कूल अमरावती नगर। वेरी नाइस। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि इन सभी ने सिलेक्शन पा ली है और मैं अब रिपोर्टिंग करते करते थक चुकी हूँ, तो मैं अपनी सहयोगी रिपोर्टर आद्या आयुषी को अब रिपोर्टिंग करने के लिए दे रही हूँ। आद्या, ओवर टू यू। थैंक यू। हेलो भैया, क्या आपका सिलेक्शन सैनिक स्कूल में हो चुका है? जी हाँ। आपका नाम क्या है? नैतिक राज। और आपका किस स्कूल में सिलेक्शन हुआ है? सैनिक स्कूल फंगलवा। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स। हेलो भैया, क्या आप सैनिक स्कूल में सिलेक्ट हो चुके हैं? जी हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौर्य कुमार है। आप किस स्कूल में सिलेक्ट हुए हैं? मैं सैनिक स्कूल तिलैया में सिलेक्ट हुआ और मेरा रैंक मेरे कैटेगरी में रैंक वन है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। भैया भैया रुकिए, आपका सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो चुका है? हाँ। आपका नाम क्या है? रुद्रेश कुमार द्विवेदी। आपका किस सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ है? सैनिक स्कूल कपूरथला, फर्स्ट इन माई कैटेगरी। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हेलो हेलो भैया, क्या आपका सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो चुका है? हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रतन सम्राट है। आपका किस सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ है? सैनिक स्कूल ईस्ट दिसांग में, जिसमें मेरे कैटेगरी में फर्स्ट रैंक आया है। मिनी मिनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। दो और भैया का सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन किसी कारणवश वे स्कूल में उपस्थित नहीं है और ये रहे उनके डिटेल्स।
सर। हेलो सर, इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अगले साल हम भी सैनिक में जाएंगे, तो प्लीज़ आप हमारे लिए कुछ टिप्स बताइए। आपके लिए टिप्स कुछ नहीं है, हार्ड वर्किंग, कंटिन्यूसली निरंतरता होनी चाहिए, मेहनत करना है, बाकी आप आइए हम लोग के पास, आप लोग भी अगले बार सैनिक स्कूल जाएंगे। थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो सर, मैं अगले साल ना सैनिक स्कूल बैच में जाने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे लिए कुछ टिप्स बताइए। टिप्स कुछ नहीं है, बस ग्रैंडव्यू के सैनिक बैच में ज्वाइन कर लो और रेगुलर रहो, आप सब ग्रैंडव्यू में आए और सफलता पाएं। यदि आपके बच्चे में है दम तो मुफ्त पढ़ाएंगे हम। थैंक यू सर। हंसिका, हमारी रिपोर्टिंग तो खत्म हो चुकी है, लेकिन देखो वो भैया बहुत सैड सैड से लग रहे हैं, चलो उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या हुआ है। ठीक है चलो। भैया आपको क्या हुआ है? क्या बताओ बहना, इस बार मेरा सैनिक स्कूल में सिलेक्शन नहीं हो पाया है। ऐसे कैसे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया? आओ बैठो बहना, फिर मैं तुझे बताता हूँ। क्या बताओ बहना, मैं पढ़ाई के समय क्या क्या करता था और क्या क्या सोचता था। नमस्कार, माय नेम इज चुलबुल पांडे उर्फ रॉबर्ट हुड पांडे, स्वागत तो करो हमारा। मैं हूं भैया, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम आने वाली, उसमें आप अच्छे से पढ़ाई करिए और सक्षम आइए। ठीक है बहना। ओके भैया, बेस्ट ऑफ लक। ओके थैंक यू। हेलो मैम। ओह हेलो चाम्स, आ गए आप लोग? यस मैम। सो बताओ कैसी रही आप लोग की रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंसेस? मैम बहुत बढ़िया, एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस नाइस। यस मैम, हमें उनसे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हमारे स्कूल से इतने सारे बच्चों ने सिलेक्शन ले लिया, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। अरे वाह, कमाल तो आप लोगों ने भी कर दिया, और कमाल कर दिया है हमारे ग्रैंडव्यू प्रेप स्कूल के बच्चों ने। उन्होंने ये बता दिया है कि अगर आपके हौसले बुलंद है और आपने कुछ करने की ठानी है तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। हमारे सभी सफल बच्चों को ग्रैंडव्यू की पूरी टीम की तरफ से उनके न्यू जर्नी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया हो बिल्कुल निराश ना हो, वो निरंतर प्रयास करते रहे, कोशिश करते रहे, क्योंकि सक्सेस का एकमात्र मंत्र है कोशिश करना, मेहनत करना। हमारे स्कूल की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे स्कूल के Facebook पेज को फॉलो करिए।